हम लोगों ने चांद तक का सफ़र तो 16 जुलाई 1969 में ही तय कर लिया था, परंतु आखिर कब हम मंगल तक का सफ़र शुरू भी करेंगे? दोस्तों, ये जो सवाल है ना, ये कई सारे लोगों के मन में हमेशा से आ रहा होगा। और गजब की बात ये है कि मुझे भी यही सवाल कई दिनों से मेरे मन में भी आ रहा है। तो क्यों ना इसी मंगल मिशन के बारे में आज कुछ चर्चा की जाए, क्या कहते हैं, करें? चलिए फिर आज इसी के बारे में ही बात कर लेते हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आगे आपको इस वीडियो में ऐसे वजहों के बारे में जानने को मिलेगा जो कि इंसानों को मंगल पर उतरने से रोक रही है। इसलिए अगर आपको जानना है तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर एक, जोखिमों से घिरा हुआ है मंगल पर उतरना। अंतरिक्ष में यात्रा करके मंगल तक सफ़र करना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। वैसे दोस्तों, नासा जैसी संस्था भी मंगल पर अपने प्रोब्स को कई प्रयासों के बाद ही सफलतापूर्वक उतारने में सक्षम हुई थी। तो इंसानों को यहाँ उतरना बहुत ही जोखिमों से भरा हुआ काम है। हमेशा से ही अंतरिक्ष में किसी भी मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। आप लोगों ने चंद्रयान 2 के बारे में तो देखा ही होगा। हालांकि ये मिशन 90% सफल भी हुआ था, परंतु हम अपने लैंडर को उतारने में नाकाम भी रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी इंसानों से भरे स्पेसक्राफ्ट को मंगल के सतह में उतरना कितना कठिन है। एक चूक हुई कि नहीं, सब बिगड़ सकता है। नंबर दो, मंगल पर होता है हड्डियों तक जमा देने वाली ठंड। दोस्तों बता दूं कि मंगल का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए मंगल का सतह ताप को अपने अंदर संग्रहित करके नहीं रख पाता, जिससे इसका तापमान बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। मंगल के सतह का औसतन तापमान लगभग -60 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि मंगल पर वायुमंडल है, परंतु वो पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में 100 गुना ज़्यादा पतला है। पृथ्वी के ही तरह ही मंगल के ध्रुवीय इलाकों में तापमान लगभग -125 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वातावरण में इंसानों का रहना कितना कठिन होगा। नंबर तीन, मंगल पर इंसानों को भेजना बहुत ही पड़ सकता है महंगा, क्योंकि इसका खर्च हो सकता है 75,000 करोड़। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में किसी भी 1 किलो वजनी चीज़ को भेजने के लिए कितना खर्च आता है? नहीं ना? तो जान लीजिए, अंतरिक्ष में किसी भी 1 किलो वजनी चीज़ को भेजने के लिए लगभग 14 लाख रुपये लगते हैं। ठीक इसी तरह हम अगर इंसान युक्त मंगल मिशन की लागत को देखें तो ये लगभग 75,000 करोड़ रुपये तक पहुँच जाता है, जो कि एक हिसाब से किसी भी देश के लिए महंगा है। ऊपर से वो मिशन सफल होगा या नहीं, उसका भी कोई सटीक अनुमान नहीं है। नंबर फोर, ऑक्सीजन की होगी बहुत ही कमी। एक इंसान बिना खाना खाए लगभग 21 से 22 दिनों तक तथा बिना पानी के 4 दिनों तक जीवित रह सकता है, परंतु ऑक्सीजन के बारे में क्या? बिना ऑक्सीजन के हम कितने समय तक जीवित रहेंगे? मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट, और ज़्यादा से ज़्यादा होकर भी 4 से 5 मिनट के अंदर हम बेहोश होकर दम तोड़ देंगे। ऐसे में मंगल पर जो भी वायुमंडल है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। इसी वजह से हमें एक ऐसी उपकरण की ज़रूरत है जो कि इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर सके, नहीं तो वहाँ जाने के कुछ दिनों के अंदर ही हम दम तोड़ देंगे। नंबर फाइव, मंगल तक जाने के लिए हमारे पास अभी कोई रॉकेट ही नहीं है। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई रॉकेट नहीं है जो कि इतना शक्तिशाली हो कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को लांघ कर अंतरिक्ष में एक बहुत बड़े आकार के अंतरिक्ष यान को मंगल तक पहुंचा पाए। अभी तक हम अधिक से अधिक 4,500 टन वजनी उपकरण को अंतरिक्ष पहुंचाने में सक्षम हुए हैं, जो कि
100 प्रयासों के बाद ही सफल हुआ है। तो इंसान युक्त मंगल के मिशन में लगने वाला अंतरिक्ष यान तथा इसके उपकरण इससे भी कहीं अधिक भारी हो सकते हैं, और इसके लिए हमें एक बहुत ही ताकतवर रॉकेट की ज़रूरत है। वैसे इतनी शक्तिशाली रॉकेट शायद हमें जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि नासा और स्पेसएक्स भी इसके ऊपर में काफ़ी दिनों से तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। नंबर 6, ईंधन को बेहतर तरीके से संग्रहित करके रखने वाली तकनीक की कमी। दोस्तों, बिना ईंधन को तो कोई भी यान काम नहीं करता। अंतरिक्ष यान को उड़ान भरने के लिए भी भारी मात्रा में ईंधन की जरूरत होगी, परंतु इसको संग्रहित करके यान के अंदर कैसे रखा जाए, और वो भी मंगल तक। बता दूं कि पृथ्वी से मंगल तक की दूरी लगभग 8.1 करोड़ किलोमीटर है, और ये कोई कम दूरी नहीं है। किसी भी अंतरिक्ष यान को चलने के लिए लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी बहुत ही भारी मात्रा में। अंतरिक्ष यान के कुल वजन में से लगभग 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ईंधन का वजन ही होता है, और लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो काफ़ी मात्रा में ज्वलनशील होता है। इसलिए मंगल तक पहुंचने के लिए लगने वाले ईंधन को एक संग्रहित ढंग से संग्रहित करके रखना बहुत ही जरूरी है, और ऐसी तकनीक अब तक हमारे पास नहीं है। नंबर 7, माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशन का खतरा। अंतरिक्ष में हमेशा रेडिएशन और चार्ज्ड पार्टिकल से खतरा रहता ही है। रेडिएशन सीधे तरीके से इंसानी शरीर पर अपना प्रभाव दिखाकर उसे कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित भी कर सकता है। इसीलिए हमें एक ऐसी तकनीक की ज़रूरत है जो कि मंगल तक जाने वाले अंतरिक्ष यान को इस खतरनाक रेडिएशन से बचा सके। इसके अलावा माइक्रोग्रेविटी का भी खतरा कुछ कम नहीं है। सिर्फ कुछ महीनों में माइक्रोग्रेविटी का असर अंतरिक्ष यात्रियों के ऊपर दिखाई देता है। माइक्रोग्रेविटी का कारण है हड्डियां कमजोर हो जाना, मांसपेशियां विकृत होना, त्वचा पर झुर्रियां आना तथा ऑप्टिक नर्व में परेशानी दिखाई देना वगैरह आम बात है। इसलिए लगभग एक साल लंबे इस मानव युक्त मंगल मिशन में इन सब चीज़ों को भी नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। नंबर 8, खतरनाक वायरस का डर कर रहा है वैज्ञानिकों को चिंतित। अगर आपने हॉलीवुड का लाइफ नहीं देखा है तो मैं कहूँगा कि उस फिल्म को एक बार अवश्य ही देखिए। उसमें एक परग्रही जीव कैसे अंतरिक्ष से आकर पूरे मानव जाति के लिए खतरा बन गया था, उसके बारे में दिखाया गया है। खैर, अब असल मुद्दे में आते हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि कई हजारों साल पहले मंगल पर जीवन मौजूद था। ये जीवन आज भी मंगल पर सुप्त अवस्था पर मौजूद है। तो अगर हम इंसानों को मंगल के अनछुए तथा अनजान इलाकों में भेजते हैं तो कौन जानता है कि वहाँ कौन सी वायरस या जीव उनके इंतजार में हो। दोस्तों, जब इंसानों को अपोलो मिशनों के तहत चांद पर भेजा जाता था तब भी उन्हें पृथ्वी पर पहुँचने के बाद 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन करके रखा जाता था, ताकि इस बात की पुष्टि मिल सके कि वो लोग बाहर अंतरिक्ष से कोई अनजान बीमारी को लेकर नहीं आए हैं। हालांकि बाद में पता चला कि चांद वायरस रहित जगह है। ऐसे में दोस्तों, मंगल के मिशन के दौरान कुछ भी हो सकता है, और मैंने इस वीडियो में कहे वजहों के कारण ही हम अभी तक इंसानों को मंगल तक भेजने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और हाँ दोस्तों, मेरी चैनल को सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि मैं स्पेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।